आज अयोध्या में इतिहास रचा गया है। सालों तक अदालत में मामला चलने के बाद आज अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया, साथ ही पीएम मोदी ने देश को भी संबोधित किया। तो पीएम ने अपने संबोधन में देशवासियों से क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आज भूमि पूजन का काम पूरा हो गया। आज करोड़ों राम भक्तों का सालों का इंतजार पूरा हो गया जब राम मंदिर की आधारशिला रख दी गई और विधिवत रूप से राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य पूजा की। इसके बाद पीएम ने देशवासियों को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मेरा सौभाग्य है, मुझे ट्रस्ट ने ऐतिहासिक पल के लिए आमंत्रित किया। मेरा आना स्वाभाविक था। आज इतिहास रचा जा रहा है। आज पूरा भारत राममय है, हर मन दीपमय है। बरसों तक रामलला टेंट में रहे थे, लेकिन अब भव्य मंदिर बनेगा। गुलामी के कालखंड में आज़ादी के लिए आंदोलन चला। 15 अगस्त का दिन उस आंदोलन का और शहीदों की भावनाओं का प्रतीक है। ठीक उसी तरह राम मंदिर के लिए कई कई सदियों तक पीढ़ियों ने प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप संकल्प का प्रतीक है। राम मंदिर के चले आंदोलन में अर्पण तर्पण संघर्ष संकल्प था। आपको बता दें कि आज राम की नगरी अयोध्या में भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ और कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भगवान राम का ये मंदिर युगों युगों तक मानवता को प्रेरणा देता रहेगा, मार्गदर्शन करता रहेगा। आज का दिन करोड़ों राम भक्तों के संकल्प की सत्यता का प्रमाण है। भूमि पूजन का दिन सत्य, अहिंसा, आस्था और बलिदान को न्याय प्रिय भारत की एक अनुपम भेंट है। पीएम ने आगे ये भी कहा कि हमें आपसी प्रेम भाईचारे के संदेश से राम मंदिर की शिलाओं को जोड़ना है। जब जब राम को माना है, विकास हुआ है। जब भी हम भटके हैं, पीछे छूट गए हैं। सभी की भावनाओं का ध्यान रखना है। सबके साथ से और विश्वास से ही सबका विकास करना है। कोरोना के कारण जैसे हालात हैं, राम के द्वारा दिया गया मर्यादा का रास्ता जरूरी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।